हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूजीएस टेकी। आज मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेगनोग्राफी क्या होती है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किसी सीक्रेट मैसेज को हम कैसे इमेजेस या वीडियो में हाइड कर सकते हैं। और यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो स्टेगनोग्राफी क्या होती है ये नहीं देखी है सो आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हूँ कि स्टेगनोग्राफी क्या होती है। यदि इसको ब्रीफ में बताऊँ सो स्टेगनोग्राफी एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसका यूज़ हम किसी सीक्रेट डेटा या इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे किसी सीक्रेट डेटा को इमेजेस या वीडियो में हाइड कर सकते हैं। एट फर्स्ट हमें वो इमेज चूज़ करना है जिसके बिहाइंड हमें डेटा को हाइड करना है। एग्जाम्पल, digital.jpg फाइल के इनसाइड हम डेटा को हाइड करना चाहते हैं। सो इसके लिए हमें एट फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, cd... इस कमांड का यूज़ हम किसी फोल्डर से बैक जाने के लिए करते हैं। देन नाउ हमारी फाइल लोकेशंस सी ड्राइव के अंदर जीपी फोल्डर के अंदर ये फाइल एग्जिस्ट करती है सो हमें इस लोकेशन को ओपन करना है। नाउ cd एंड जीपी फोल्डर, देन नाउ हम जीपी फोल्डर के अंदर इस इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो हमें सिंपली टाइप करना है echo, देन वो सीक्रेट मैसेज जिसे हम हाइड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, हम इस मैसेज को हाइड करना चाहते हैं। देन नाउ ग्रेटर देन सिंबल एंड वो इमेज फाइल नेम, एंड कॉलन, एंड देन वो फाइल नेम जिसमें हम इस सीक्रेट मैसेज को होल्ड करेंगे। सो हम इसका नेम कुछ भी रख लेते हैं। नाउ dp.txt एंड नाउ एंटर। सो फ्रेंड, हमने सीक्रेट मैसेज को इस फाइल के इनसाइड स्टोर कर दिया है। एंड नाउ हम देखेंगे कि हम इस सीक्रेट कोड को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। सो इसके लिए हमें कमांड टाइप करनी है notepad, एंड नाउ वो इमेज फाइल नेम, एंड नाउ हमें पता होना चाहिए कि जो सीक्रेट कोड हमने किस फाइल में हाइड किया है। तो वो फाइल नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, एंड नाउ एंटर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीक्रेट कोड हमने हाइड किया था वो यहाँ पे शो हो गया है। सो इस तरीके से हम किसी इमेज के अंदर सीक्रेट कोड को हाइड कर सकते हैं एंड नाउ इसे डिकोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं हम सेकेंड मेथड की ओर। सो सीक्रेट इन्फो टेक्स्ट, ये फाइल जिसमें हमारा सीक्रेट डेटा है, सो इसे हम एट फर्स्ट इसे अचीव कर लेते हैं, इसे रेयर फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये सीक्रेट इन्फो टेक्स्ट फाइल जिसमें हमारा सीक्रेट डेटा है ये रेयर फाइल में कन्वर्ट हो गया है। सो हम इसे इमेज में हाइड करना चाहते हैं। सो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है, एंड नाउ हमें टाइप करना है कॉपी /b, बी फॉर बाइनरी, बिकॉज ऑल फाइल्स बाइनरी कोडेड होती हैं। एंड नाउ वो इमेज फाइल नेम जिसके बिहाइंड हम सीक्रेट डेटा को हाइड करना चाहते हैं, ugs.png, ये मोर देन png फॉर्मेट को सपोर्ट करता है सो हमें png इमेज का यूज़ करना चाहिए। देन नाउ प्लस, एंड देन वो रार फाइल का नेम लिखना है secret.info.rar, एंड देन हमें वो फाइल नेम लिखना है जिसमें हम सीक्रेट डेटा को इमेज के अंदर हाइड करना चाहते हैं। सो उसे हम किसी भी नेम से बना सकते हैं। एग्जांपल, हम रिजल्ट नाम से बना लेते हैं, result.png, देन नाउ एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे result.png नेम से एक फाइल बन गई है जो एज ए सेम है ugs.png फाइल की तरह। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ugs.png एक सिंपल फाइल है जबकि हमने result.png में सीक्रेट कोड को हाइड करके रखा है। सो फ्रेंड, हम इसे डिकोड कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। सो हमें एट फर्स्ट इस फोल्डर को winrar में ओपन करना होगा। देन नाउ यहाँ पे हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं।
सो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट डॉट पी एन जी, ये जो फाइल है ये एक पी एन जी फाइल है, बट हमने इसमें सीक्रेट कोड को हाइड करके रखा है। यदि सामने वाला कोई इस फाइल को देखेगा तो उसे एक पी एन जी फाइल ही देखेगी, बट इसमें एक सीक्रेट कोड को हमने हाइड करके रखा है। सो इसे ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर सो आर्चिव कंटेंट पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं जो सीक्रेट कोड हमने हाइड किया था यहाँ पे शो हो गया है। देन हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं जो कोड हमने हाइड किया था वो यहाँ पे आ गया है। सो फ्रेंड हम चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी वीडियो में कैसे किसी टेक्स्ट फाइल को हमारे सीक्रेट डेटा को हाइड कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एट फर्स्ट इस सॉफ्टवेयर की नीड होगी। सो मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप इस सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन नाउ यहाँ से हमें वीडियो फाइल को सिलेक्ट करना है जिसमें हम किसी डेटा को हाइड करना चाहते हैं। सो हम इस वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नाउ इसमें ये ओपन हो गया है। एंड नाउ हमें वो टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करनी है जिसे हमें हाइड करना है। सो हमें इस डेटा को हाइड करना है, सो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नाउ हमें इसे कंबाइन कर देना है। वो रिज़ल्ट फाइल जिसमें हमारा सीक्रेट डेटा वीडियो में हाइड है वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। देन नाउ हम इसे जीपी फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डॉट एम पी फोर नेम से एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें सीक्रेट डेटा हाइड है। सो फ्रेंड अब हम इसे डिकोड कैसे करेंगे और एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यदि हम किसी को ये फाइल देते हैं तो वो कैसे इसे डिकोड कर सकता है। सो इसके लिए हमें इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। देन नाउ एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। देन यहाँ से हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओपन। एंड नाउ हमें एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड ये एक्सट्रैक्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, सो हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सो फ्रेंड ये एक्सट्रैक्ट फाइल है जिसमें हमारा सीक्रेट डेटा हाइड है, सो हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सीक्रेट कोड, जो सीक्रेट डेटा जो हमने हाइड किया था यहाँ पे हमने इसे डिकोड कर लिया है। सो इस तरीके से हम किसी वीडियो में किसी सीक्रेट फाइल को या किसी सीक्रेट डेटा को हाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यदि आप ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।